पूज्य बापू ने अपने जीवन में आजादी से भी ज्यादा महत्व स्वच्छता को दिया। आने वाले 150वीं जयंती जब मनाएंगे तब ये देश पूज्य बापू को स्वच्छ भारत के रूप में, ये हमारे कोटि कोटि स्वच्छाग्रही माँ पूज्य बापू को कार्यांजलि समर्पित करेंगे। आजादी मिली सत्याग्रहियों से, स्वच्छता मिलेगी स्वच्छाग्रहियों से। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत सन 2014 में भारत सरकार द्वारा की गई। सफाई के क्षेत्र में ये एक अथक प्रयास है जो मानव द्वारा मानव शौचालयों से मानवीय उत्सर्जन को हटाने एवं सेप्टिक टैंक, सीवर और गटर की सफाई पर रोक लगाने पर केंद्रित है। मानव द्वारा सीवर एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई एक अवैध कार्य है और ये कई दशकों से भारत में हो रहा है, जिसके गंभीर परिणाम हुए हैं। सीवर लाइन में मानव एवं औद्योगिक अपशिष्ट के एक साथ मिलने से खतरनाक गैसों का उत्सर्जन होता है। सफाई के दौरान सीवर लाइन में जहरीली गैसों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं और कठिन परिस्थितियों में सफाई कर्मी की मौत भी हो सकती है। इस तरह का कार्य समाज में छुआछूत और भेदभाव का एक जीता जागता उदाहरण है। जब ढक्कन खोल के घुसने की सोचते हैं, घबराहट भी होती है, ये भी ऐसा लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। पर सब कुछ सोचने के बाद जब घर की तरफ निगाहें जाती है तो ये होता है कि घर पे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, जो होएगा देखा जाएगा, कर लो काम। करने वाले करते हैं बहुत भेदभाव करते हैं कि ये ऐसे काम करते हैं, ये वो उठाते हैं, ऐसे गंद उठाते हैं। पानी किसी से मांग लेंगे तो पानी की बोतल दे देंगे, रख देंगे, बोल देंगे ले जाओ, हमें जरूरत नहीं इस पानी की बोतल की। घर में बोलेंगे आप घर में मत आओ, हम अपने आप दे देंगे, बाहर के बाहर जो भी होता है दे देते हैं, ये ले जाओ ये ले जाओ। फील तो बहुत होता है, रोना भी आता है बहुत, पर क्या करें, मजबूरी होगी हमारी। इस तरह के गलत कार्य को रोकने के लिए तथा जो सफाई कर्मी इस तरह का कार्य करने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए भारत सरकार द्वारा एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाया जाता है। सीवर सफाई कर्मी के कल्याण के लिए एवं उन्हें सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सीवर सफाई कर्मी और उनके पुनर्वास के लिए मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 पारित किया है। इस अधिनियम के तहत मानव द्वारा सीवर की सफाई पूरी तरह प्रतिबंधित है और अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य किसी सफाई कर्मी से करवाता है तो उस व्यक्ति को कारावास के साथ साथ जुर्माना भी लग सकता है। भारत की स्वच्छता प्रणाली को आधुनिक बनाने के उपाय देश में पहले से ही उपलब्ध हैं। देश के कई भागों में सफाई उपकरणों और मशीनों से की जाती है जो कि पूरी तरह सुरक्षित है। हमारा देश सीवर और नालों की खतरनाक सफाई को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध नवीन उपकरणों और तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सीवर और नालों की खतरनाक सफाई को रोकने के लिए एवं लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक दिन की कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जागरूकता फैलाना है। इसके अलावा सीवर और नालों की खतरनाक सफाई का उन्मूलन करना, सीवर सफाई कर्मी को प्रशिक्षित करना, सीवर और नालों की सफाई के दौरान सावधानी बरतना,
सीवर और नालों की सफाई के आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना, सीवर सफाई कर्मी के पुनर्वास के लिए सरकारी योजनाओं को विस्तार से समझाना इत्यादि शामिल है। भारत में सीवर और नालों की सफाई में उपकरणों एवं मशीनों के इस्तेमाल के लिए पहले से ही काफी प्रयास किए गए हैं, लेकिन इसके उन्मूलन के लिए अभी इस संबंध में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों को इस तरह के कार्य को रोकने के लिए अहम भूमिका निभानी होगी और साथ ही साथ मशीन एवं उपकरणों से सफाई के बारे में लोगों को जागरूक करना होगा। हमारा प्रयास है कि बापू की 150वीं जयंती तक पूरा देश इस तरह के कार्य को बंद करने के लिए आगे आए एवं सरकार सीवर सफाई कर्मी को वित्तीय सहायता देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर उन्हें सशक्त बनाए, ताकि वो इस तरह के कार्य को फिर से ना करें एवं उनकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार हो। जय हिंद।